गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन माय सोशल स्टडी क्लास। दिस इज राजेश कुमार सा, असिस्टेंट टीचर ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद विद्या मंदिर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट अबाउट कोरोना वायरस। आई डोंट नो दैट इज वेरी डेंजरस वायरस टू ऑल ऑफ अस, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज स्टे योर होम एंड सेव योर लाइफ। नाउ I am going to start my social study class, so please listen to me carefully and watch my video by heart. So today I will cover class 6 social studies subject geography. The first chapter of this subject is Earth and the Solar System. Students, see carefully, this topic is divided into two parts. First is Earth and other Earth, the solar system. As you know better, Earth is the unique planet in the solar system. Only in the solar system, Earth is support the life. So, this is very unique and interesting subject of this class. And then now, second part, the solar system. You know, Solar is the word of derived from Latin word God of Sun. Listen, the solar word means soul word derived from Latin word the. This means God Sun, and other word system. It is the group of elements. I hope स्टूडेंट आप इस टॉपिक का मतलब समझ गए होंगे। इन दिस चैप्टर हैज मेनी एंड मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन। यू सी योर बुक एंड नाउ ओपन पेज नंबर 5। द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर लाइक द सेलेस्टियल बॉडीज। स्टूडेंट व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज, या व्हाट डू मीन सेलेस्टियल बॉडीज, या व्हाट डू अंडरस्टैंड सेलेस्टियल बॉडीज। स्टूडेंट्स, द सन मून ऑल दीज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। कहने का मतलब कि आप सूर्य, चांद और भी बहुत सारे आसमान में चमचमाते हुए तारे देखते हैं, उसे हम सेलेस्टियल बॉडीज के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट से गिवन प्लैनेट। यू नो इन द सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स। सो व्हाट इज प्लैनेट? प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ऑन हीट या लाइट। दैट मीन्स आप यहां देख रहे हैं कि ग्रह वो होते हैं जिनके पास न खुद को अपना उष्मा अर्थात गर्मी और नहीं प्रकाश होता है। तो आप या आपके अंदर ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि आखिर ये हमारा अर्थ, इट इज द एग्जांपल ऑफ प्लैनेट बट यर फुल्ली लाइट। आपको ये समझ में नहीं आता होगा या समझ रहे होंगे आप, इसके अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चन राइज कर रहे होंगे कि आखिर ये हमारा अर्थ एक प्लैनेट का एग्जाम्पल है और ये डिफाइन कर रहा है कि इसके पास नहीं इसका कोई हीट होता है और नहीं लाइट होते हैं। तो फिर ये लाइट कहां से मिलती है? सोलर सिस्टम। सी केयरफुली, दे आर लिट बाय स्टार्स। ये किससे प्रकाशित होता है? तारे से होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टेलेशंस। बेसिकली दीज आर पैटर्न फ्रॉम इमेजरी आउटलाइंस बाय द ग्रुप ऑफ स्टार्स। स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू सी एट नाइट इन द स्काई। आप रातों में आसमान की तरफ देखते हैं तो आप पाते क्या है? बहुत सारे स्टार्स, काउंटलेस स्टार्स जो है वह एक किसी ग्रुप में या पैटर्न में बनाए हुए दिखता है। उसके पैटर्न को एक जो आपको जो समझ में आती है, एक पिक्चर, एक सही तरीके का पैटर्न, उसी पैटर्न को कंस्टेलेशन के नाम से जाना जाता है।
some examples here, like Ursa Major, Sub Tarsi, etc. बहुत सारे ऐसे कंस्टेलेशंस का एग्जांपल्स है. द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन, द सोलर सिस्टम. स्टूडेंट्स, सो डिफाइन इन दिस पॉइंट द टॉपिक लाइक द सोलर सिस्टम. दिस वर्ड इज मेड ऑफ टू वर्ड, टू मेन वर्ड्स लाइक सोलर एंड सिस्टम. हियर सोलर, दिस सोल वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, दैट मीन्स God of sun, and system, it is the group of elements. Students, the solar system is the family of the which include the sun, eight planets and their satellites, comets, etc. that move around the sun. ये जो हमारे senses bodies हैं, ये जैसे sun हुए, planets हुए, उसके satellites हुए, ये सभी sun की चक्कर लगाते हैं. जैसे अभी हम बात करें सोलर सिस्टम की, तो इन द फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वॉल्व कॉपरनिकस इन द पीरियड ऑफ 1540 में इन्होंने सोलर सिस्टम से परिचित कराया. एंड इन दिस सिस्टम हैज एट प्लैनेट्स, जुपिटर एंड काउंटलेस स्टार्स शांत होइए आप. नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन इज द सन. यू नो सन इज अ स्टार. स्टूडेंट्स, इन द सोलर सिस्टम सन इज द नोन एज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम. It is about 15,000 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. ये हमारे पृथ्वी से 15,000 लाख किलोमीटर दूर है. इट हैज सरफेस टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6,000 और यहां की जो सूर्य की सतह का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वह 6,000 डिग्री सेल्सियस है. द लाइट फ्रॉम द सन टेक अबाउट 8 मिनट टू रीच. आपको मालूम है कि हमारे इस अर्थ से सन 15,000 लाख किलोमीटर दूर है और वहां से लाइट हमारे इस अर्थ तक आने में अबाउट 8 मिनट की समय लेती है. यू नो द सन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो इन आवर लाइफ या फॉर द अर्थ. हमारे जीवन के लिए या इस पृथ्वी के लिए सूर्य का होना बहुत जरूरी है. इन द रेस्पेक्ट ऑफ द सन एवरी ईयर सेलिब्रेटेड एज सन डे 3 मई, यानी प्रत्येक साल इस सूरज की उपयोगिता को देखते हुए प्रत्येक साल 3 मई को सूर्य दिवस अर्थात संडे के रूप में मनाई जाती है. द नेक्स्ट द अर्थ. स्टूडेंट्स, यू नो एंड सी केयरफुली द टॉपिक्स दे आर गिवन. अर्थ, यू नो अर्थ इज एग्जांपल ऑफ प्लैनेट एंड इज ऑल्सो नोन एज द यूनिक प्लैनेट बिकॉज ओनली इन दिस प्लैनेट हैव सपोर्ट लाइन. So, इसके बारे में, that means, now discussing about the sun, the earth in the solar system, our earth is the third nearest planet to the sun. आपको मालूम है कि ये हमारे सूर्य के अनुसार अगर हम एक प्लैनेट को एक सीरीज में रखा जाता है तो यह थर्ड नंबर पे आते हैं. इट इज द फिफ्थ प्लैनेट इन द साइज. और साइज की बात करें, आकार की दृष्टि से देखें तो यह 5वें नंबर पर आता है. इट ऑर्बिट अराउंड द एज वेन लग 7,220 किलोमीटर पर आवर. इसकी
देती है वह आपको 1,07,220 किलोमीटर आवर प्रति आवर के हिसाब से चलती है। इतना ही नहीं, यह एक रिवोल्यूशन यानी जो आप डे और नाइट का हैपन देखते हो ड्यू टू रिवोल्यूशन फ्रॉम द अर्थ। नाउ रिवोल्यूशन फ्रॉम द सन इन 365 डेज 5 आवर्स एंड 56 मिनट। स्टूडेंट्स सो सॉरी नॉट डे चेंजिंग डे एंड नाइट सो यह चेंज द सीजन ड्यू टू रिवोल्यूशन। As you know, Earth is known as a unique planet and is also called a blue planet because आपको मालूम है कि ये अर्थ ही एक ऐसा प्लानिट है हमारा कि जो पूरे सोलर सिस्टम में यहाँ पे लाइफ सपोर्ट करता है। तो इन द रिस्पेक्ट ऑफ दिस हैपन एवरी ईयर रिलेटेड एज अर्थ डे लाइक 22 अप्रैल। प्रति वर्ष हम सभी अर्थ डे भी 22 अप्रैल को मनाते हैं। यू नो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अर्थ, यू नो अर्थ इज द एग्जांपल ऑफ द प्लैनेट। सो इन द सोलर सिस्टम प्लैनेट वी कैन डिवाइड इट इन टू पार्ट्स लाइक द इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट एंड द फर्स्ट The inner planets Mercury, Venus, Earth, Mars. आपको मालूम है कि प्लैनेट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में। सो व्हाट डू मीन ऑफ इनर प्लैनेट एंड व्हाट डू मीन आउटर प्लैनेट। आपके मन में बातें आ रही होगी ना कि आखिर इनर और आउटर क्या होता है। स्टूडेंट्स सो हेल्प अस टू यू, ये आपके लिए इन द टर्म्स ऑफ फेज या डिस्टेंस फ्रॉम द सन आपको सूर्य की से दूरी के अनुसार ग्रहों को जो रखा गया है उसको याद करने का एक फॉर्मूला है। सी हियर माय वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व यू नूडल्स। सो व्हाट डू मीन इन दिस फॉर्मूला, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स। ईच वर्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर दैट मीन्स My first letter of this word is M, means Mercury, V, Venus, E, Earth, and Mother, M, Mars, just Jupiter, Sun, first letter S for Saturn, U, Uranus, Noodles, first letter N, means Neptune। ये सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों को रखा गया है। फर्स्ट फोर आप देख रहे हो कि जो सूर्य ग्रहों को सूर्य के दूरी के अनुसार जो रखा गया है इसके फर्स्ट फोर को इनर प्लैनेट्स के रूप में रखा गया है और लास्ट फोर को आउटर प्लैनेट्स में रखा गया है। वाई क्यों, आखिर ये क्वेश्चन आपके मन में आ रही होगी ना। सो यार इट इज क्लियर because inner planets mostly made of with rock and outer planets mostly made of with gas। Students ये part first video जो first lesson geography का earth and solar system का first part आपको दिया गया। इसका second part फिर अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स आपसे आशा हम रखते हैं कि इसके साथ साथ आपको इस चैप्टर का पीडीएफ भी दिया गया है। आई होप आप सभी अपने घर पर इस लॉकडाउन में बेकार का समय नहीं गुजारते हुए जो पेयर कॉपी है पहले आप रफ में उसको पीडीएफ से सारे आंसर जो भी पीडीएफ से इंपॉर्टेंट बातें थी उसको कैरी कर लेना है। देन आफ्टर आप उसको पेयर कॉपी में फिर उसको लिख देना है। इसी विश्वास के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।